हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आपको चार धाम यात्रा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो व्यक्ति चार धाम यात्रा करना चाहता है उस व्यक्ति को कोविड के दोनों वैक्सीन के डोज लगे होने चाहिए और वो अपने साथ कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट ज़रूर कैरी करके चले, ओरिजिनल। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको चार धाम यात्रा की ऑफिशियली वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बगैर आप चार धाम यात्रा नहीं घूम पाओगे। ये सिर्फ अदर स्टेट के लिए, उत्तराखंड के लिए नहीं है। तीसरा पॉइंट यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने साथ वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रखें, ओरिजिनल और कॉपी भी, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड और कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट, तो आप इनको अपने साथ कैरी करके चलें प्लीज़। और चौथा पॉइंट यह है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो ई पास मिलेगा, उस ई पास से सिर्फ आप चार धाम ही घूम सकते हैं, क्योंकि आप उन मंदिर में जा सकते हो, दर्शन कर पाओगे, इसके अलावा आप उत्तराखंड के अदर प्लेसेस को नहीं घूम पाओगे। पांचवा पॉइंट यह है कि आप उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन कर दो, क्योंकि अब जब बॉर्डर पर चेकिंग होगी तो उसके दौरान वो आपको रोक सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की स्लिप मांग सकते हैं, इसलिए आप उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके चलें। अगर आप रियल में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा करना चाहते हो तो इस पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करें। छठा पॉइंट यह है, क्योंकि चारों मंदिर के पर डे के हिसाब से कितने लोग जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। जैसे कि बद्रीनाथ में एक दिन में 1200 लोग जा सकते हैं और केदारनाथ में 800, उसी प्रकार गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400, तो आप प्लीज़ कई दिन पहले से ही रजिस्ट्रेशन करके चलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बैल के आइकन को ज़रूर दबाएं हमारी वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और हाँ, कमेंट्स में हर महादेव लिखना ना भूलें।